नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 10 जो कि है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो है 10.4 कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जी बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इससे पहले हमने पढ़ा सिंपल माइक्रोस्कोप में। सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंगल लेंस कन्वर्जिंग लेंस के ऊपर कंसिस्ट होती है और इसकी लिमिटेड मैग्नीफिकेशन और रिजोल्विंग पावर होती है, जबकि अगर हमें हाई मैग्नीफिकेशन और रिजोल्विंग पावर रिक्वायर्ड हो तब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है यूज करते हैं। इसकी डायग्राम आपकी बुक के अंदर भी बनी हुई है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, पेज नंबर 218 और 10.4B के नाम से जो है इसकी डायग्राम बनी हुई है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपकी लैब के अंदर भी अवेलेबल होती हैं, कॉलेज की लैब के अंदर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बच्चों होती क्या है, इसकी रे डायग्राम बनाई है मैंने वही जो कि आपकी बुक के अंदर है। ये कंसिस्ट होती है दो लेंसेज के ऊपर, एक बड़ा लेंस होता है उसकी बड़ी फोकल लेंथ होती है, ये हमारे पास आई पीस कहलाता है, जबकि दूसरा जो बॉटम पे होता है उसका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, उसकी फोकल लेंथ जो है एज कम्पेयर टू द आई पीस क्या होती है, कम होती है। अब इसकी रे डायग्राम यहाँ पे ड्रा की हुई है, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है एच है, उसकी हाइट एच है, उसे हमने बियॉन्ड द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस रखा हुआ है, इसका प्रिंसिपल फोकस है, उसकी प्रिंसिपल फोकस से परे ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट एच हमने रखा है। यहाँ से जो रे डायग्राम जाएगी लाइट की जो इमेज बनाएगी इन बिटवीन द फोकल पॉइंट ऑफ द आई पीस, वो हमारे पास होगी एच वन, वो एच वन हाइट का जो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा एट पॉइंट बी वन। बी वन ए वन हमारे पास हाइट एच वन का जो है वो इमेज प्रोड्यूस होगा विद इन द फोकल पॉइंट ऑफ द आई पीस। फर्दर रे डायग्राम, लाइट रे जो है हमारे पास जो आई पीस ने इमेज बनाना है वो हाइट होगी हमारे पास एच वन एच टू, जो फर्दर मैग्नीफाइड इमेज जो हमें फाइनल इमेज नजर आएगा थ्रू द आई पीस वो होगा हाइट एच टू, जो कि पॉइंट बी टू ए टू के ऊपर बनेगा। तो इस तरह हमें दो इमेज जो है, सबसे पहला इमेज बनना है जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाना है इन बिटवीन द फोकस ऑफ द आई पीस लेंस एच वन का, जो कि बी वन ए वन एच वन होगा, जबकि फाइनल इमेज बच्चों जो हमें मैग्नीफाइड इमेज जो नजर आएगा वो होगा एच टू हाइट का, वो होगी हमारे पास बी टू एच टू पॉइंट के ऊपर। अच्छा, तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो है हमारे पास ये सारा कुछ जो है लीस्ट डिस्टेंस के ऊपर हो रहा है, ये हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस के ऊपर जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसी तरह हमारे पास पी, और ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस जो है ये हमारे पास आएगा क्यू, जो कि डी के इक्वल होगा। तो ये उसी तरह लीस्ट डिस्टेंस विद इन डी के अंदर जो है हमें इमेज जो है वो मिलेगा। तो इसकी जो मैग्नीफिकेशन है बच्चों एम, वो हम देखते हैं, वो एक्चुअली मैग्नीफिकेशन हमारे पास दो तरह होगी, एक इसका एंगल जो है, पहला एंगल बच्चों जो बनेगा वो होगा हमारे पास थीटा, और दूसरा एंगल फाइनल एंगल जो बनना है ये रे डायग्राम, वो होगा हमारे पास थीटा ई कह लें, एंगल सबस्टैंडर्ड एट द आई पीस ई थीटा आई। दूसरा एंगल हमारे पास जो है वो सिंपली थीटा होगा, जो कि विदाउट हमारे पास, या ये कह लें कि दो एंगल जो हमारे पास बनने हैं, एक एंगल थीटा होगा दूसरा थीटा ई होगा। थीटा ई एंगल हमारे पास वो एंगल होगा जो कि आई पीस लेंस के ऊपर होगा, जबकि थीटा ओ या थीटा हमारे पास वो एंगल होगा जो कि ये वाला एंगल जो है एक्चुअली जो कि थीटा आगे लाएगा, जो कि हाइट एच वन के ऊपर होगा, या हाइट ये वाला थीटा होगा यहां पे, जो कि एट हाइट एच के ऊपर होगा। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन जो होगी वो रेशियो होगी टेन थीटा ई ओवर टेन थीटा की। तो इसी तरह बच्चों अगर हम देखें टेन थीटा, जैसे हमारे पास अल्फा था, वो एक्चुअली हमारे पास क्या होगा, टेन थीटा हमारे पास हाइट ओवर डिस्टेंस परपेंडिकुलर ओवर, ये परपेंडिकुलर या डिस्टेंस डी है। इसी तरह थीटा ई वो हमारे पास क्या होगा, थीटा ई हमारे पास ये होगा
एच टू ओवर डी के. जबकि अगर हम इनकी निकालना चाहें एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इनकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं एम की, तो एम हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगी, टेन थीटा ई ओवर टेन थीटा, यानी कि एच ओवर डी ओवर एस टू ओवर डी के. तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, एम इक्वल आ जाएगा हमारे पास एच ओवर एस टू के. जबकि अगर हम इस सारी सिचुएशन को देखें, हम क्या करते हैं इसी इक्वेशन को, ये मैंने जो इक्वेशन लिखी है इसे रीराइट करता हूं थोड़ा. h ओवर क्या रह गया, एच टू. मैंने m निकाला बच्चों, h ओवर एच टू यानी के हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर हाइट ऑफ द इमेज, यानी के ये एक्चुअली रेसिप्रोक हो जानी थी ऊपर, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये h2 ओवर h हो जाएगी, h2 ओवर h, क्योंकि h tan थीटा ये हमारे पास h2 ओवर d है, जबकि tan थीटा h ओवर d है, इसलिए ये होगा h2 ओवर d ओवर h ओवर d, यानी कि ये रह जाएगी h2 ओवर h के, h2 ओवर एच के. ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गई. बच्चों हम क्या करते हैं इसे एच वन से मल्टीप्लाई और एच वन से ही डिवाइड कर देते हैं, जो कि इमेज बना था हमारा इन बिटवीन द फोकल पॉइंट ऑफ द आई पीस. एच वन से मल्टीप्लाई और एच वन से डिवाइड किया हमने, इसको मैं लिख सकता हूँ एम इक्वल, ये आ जाएगी एच टू ओवर एच वन, इसके साथ मल्टीप्लाई एच वन ओवर एच. बच्चों ये दो दो मैग्निफिकेशन आ गई, ये पहली मैग्निफिकेशन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है दूसरी मैग्निफिकेशन. दो दो मैग्निफिकेशन हो जाएंगी, इनको नाम देंगे लीनियर मैग्निफिकेशन का. पहली ये दोनों रेशो है एक्चुअली एक किस्म की. पहली लीनियर मैग्निफिकेशन जो है हमारे पास आई पी एस की, दूसरी लीनियर मैग्निफिकेशन हमारे पास किसकी है, ये वाली ऑब्जेक्टिव की है. तो बच्चों पहली लीनियर मैग्निफिकेशन और दूसरी लीनियर मैग्निफिकेशन को मैं कुछ इस तरह रीराइट करता हूँ. इसको पहले लिख लें h1 ओवर h मल्टीप्लाई h2 ओवर h के. तो पहली लीनियर मैग्निफिकेशन m1 होगी मल्टीप्लाई दूसरी लीनियर मैग्निफिकेशन m2 हो जाएगी. तो ये दोनों लीनियर मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट हमारे पास टोटल एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगी इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की. अब हमने सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज इनकी m1 की और m2 की. तो m1 और m2 की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहां पे हम m1 जैसे कि हमने पीछे निकाला था q ओवर p के, और इसको हम m2 ले लेते हैं 1 प्लस d ओवर p d ओवर f, साथ में e लिख लें नीचे. तो टोटल मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या है, m इक्वल m1 मल्टीप्लाई बाय m2, यानी कि m इक्वल बच्चों आ जाएगा q ओवर p टू 1 प्लस d ओवर f ही. f ही जो है ये फोकल पॉइंट या फोकस प्रिंसिपल फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव आईपीस लेंस है. जो हमारे पास आईपीस लेंस है उसके लिए हमने एफ ई लिखा है. तो इस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो टोटल मैग्निफिकेशन है वो आ जाती है एम, विच इज प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव लेंस एंड लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस. तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हमने यूज किया क्यू ओवर पी मैग्निफिकेशन, और आई पीस लेंस के लिए हमने यूज किया 1 प्लस डी ओवर एफ ई. ई जो है सबस्क्रिप्ट के अंदर वो बेस के अंदर लिखा हुआ वो आई पीस की फोकल पॉइंट के लिए फोकल लेंथ के लिए है. तो इनकी वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास एम जो है टोटल मैग्निफिकेशन जो है वो प्रोडक्ट होगी दो लीनियर मैग्निफिकेशन का, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस एंड लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो इनकी वैल्यूज पुट करें क्यू ओवर पी विच इज अ लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, 1 प्लस डी ओवर एफ ई विच इज अ लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस. तो इस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो है हमें टोटल मैग्निफिकेशन मिल जाती है. कस्टमरी जो है एंड आमतौर पे इसकी वैल्यूज जो है उसकी जो मैग्निफिकेशन की वो 5 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टाइम्स एंड सो ऑन.
इतने टाइम जो है हम उसको इमेज जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो उतने टाइम बढ़ा करके हम देख सकते हैं, जो कि इसकी मैग्निफिकेशन को डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा बच्चों इसकी लिमिट है माइक्रोस्कोप की, जिसको हम इसकी रिजोल्विंग पावर और इसकी जो मैग्निफिकेशन जो है उस पर डिपेंड करती है। एक्चुअली इसकी रिजोल्विंग पावर जो होती है इसकी इमेज की जो डिटेल्स हम लेना चाहते हैं वो डिपेंड कर रही होती है दो चीज़ों के ऊपर। पहली चीज़ जो है वो है वेवलेंथ, दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो आती है विड्थ। दो चीज़ों के ऊपर रिजोल्विंग पावर जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लिमिट करती है। एक है वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वो लाइट जो कि हमने यूज़ की है, चाहे वो सनलाइट है, चाहे वो हमारे पास लेज़र लाइट है, चाहे कोई भी मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट जो है उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा हमारे पास विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करती है, ये ऑब्जेक्टिव लेंथ जो है उसकी कितनी विड्थ है। जितनी ज़्यादा विड्थ होगी, जितनी शॉर्टर वेव लेंथ होगी, उतनी ही उसकी रिजोल्विंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि उतना ही लेस डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। जब लेस डायफ्रैक्शन होगा तो उतनी ही जो इमेज ब्लरिंग है वो कम होगी। जितनी डायफ्रैक्शन ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा ब्लरिंग होगी, उसके एजेस से जितनी ज़्यादा डायफ्रैक्शन होगी तो वो हमारे पास स्फेरिकल एब्रेशन के तौर पे जो है एक नुक्स निकलता है, हमारे पास एक ड्रॉबैक निकलता है, इसे स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं एक्चुअली। तो जितनी विड्थ जो है इस ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा होगी, जितनी वेवलेंथ लाइक हमने ब्लू लाइट यूज़ की है उसकी शॉर्टर, सबसे शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू लाइट की होती है जो विजिबल रीजन के अंदर आती है, तो विड्थ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही माइनर से माइनर डिटेल या उसकी रिजोल्विंग पावर उतनी क्या होगी, इम्प्रूव्ड होगी।